मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सब जा रहे हो 5-star होटल द ब्लेसेड प्रिजन में, जहाँ खाना तो मिलेगा ही पर मार भी पड़ेगी। चलो मूव। चलो 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 जल्दी चलो चलो। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो अंदर बढ़ो, अंदर चलो। चला कि नहीं? ठीक है चले, तू भी चल। ए तू चल, ज्यादा होशियारी नहीं। सब पीछे जाओ, कोई आगे नहीं आएगा वरना गोली मार देंगे। पीछे पीछे तू उधर देख, उधर देख, जान से मार देंगे। कोई सामने मत आना, तू बैठ, चल अंदर चल, जल्दी 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 घुस, जल्दी कर, जल्दी चल, जल्दी। देखिए सदमे की वजह से उनकी एक किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है। क्या ये सीरियस है? सच कहूं तो हाँ, किडनी ना मिलने की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। मैं दूंगी। क्या? हाँ मैं उनकी बेटी हूँ। क्या तुम सच में तैयार हो? तो फिर ठीक है, हमें तुरंत तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे। ठीक है मैं तैयार हूँ। चलो चलो चलते रहो। आखिर तुम चाहते क्या? देखो मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, समझो। तुम्हें क्या लगा ये सारा ड्रामा मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए किया था क्या? तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम अभी भी नहीं समझे? तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम पर इनाम है? अब वो पैसा मेरा होगा, मैं उसे हासिल करूंगा, इसलिए चुपचाप चलते रहो, नहीं तो यहीं के यहीं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे ऊपर इनाम किसने रखा? अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलते रहो। ए रुक जा। अब तुम सच में मरने वाले हो। नहीं, इसे हमें वहां जिंदा पहुंचाना है। कलीमा ने हमको ऑर्डर दिया, वरना वो हमको छोड़ेगा नहीं। वो हम दोनों को मार देगा। निकिल, कैसा लग रहा है? मेरी एक किडनी निकालने वाले हैं। हाँ नहीं, मेरा मतलब तुम नर्वस हो, घबराहट हो रही है। अगर कहो तो मैं नर्स से कहती हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा इंजेक्शन लगा जिससे घबराहट कम हो, तुम नॉर्मल हो जाओ। मारीबेल, हाँ मैं नर्वस हूँ पर मुझे हार्ट अटैक नहीं आने वाला। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था, क्योंकि तुम जो करने वाली हो वो बहुत बहादुरी का काम है। मैंने कहा ना, ये मैं उसके लिए कर रही हूँ। तुम ऊपर वाले को मानती हो? थोड़ा बहुत, तुम्हारी माँ ने सिखाया। उसे कहो मेरी किडनी से मेरी मॉम को ठीक कर दे। ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा ही होगा। और तुम उसे इतना प्यार दे रही हो, वो तुम्हारे प्यार को इनकार नहीं कर सकती। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हम तैयार हैं। क्या उस एजेंट ने कुछ बताया जिसने दुराते को जहर दिया था? सर उसने किसी गोयाओ का नाम लिया था, हमने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है सर, पर अभी तक उसने अपना मुंह नहीं खोला है। भागने के बारे में क्या जानते हो? ये सब किसी ने बाहर से प्लान किया था। ये तो जाहिर है कि इस बार दुराते भागना नहीं चाहता था। जहां तक मुझे लगता है उसने जो हासिल किया है उसके बाद वो क्यों भागेगा, वो बेगुनाह है। बिल्कुल सही कहा सर आपने।
जूलियन के साथ तीन और लोग जेल से भागे हैं सर। उन तीनों को भी ब्लेसड प्रिजन भेजा जा रहा था। ये पहले नंबर वाला है कोई उर्फ लिजर्ड, ये इन तीनों का लीडर है। इससे ये जाहिर होता है कि इसमें जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है। सर मेरा शक एक ही आदमी पे जाता है, वो है रिकार्डो। उसने मोरालेस को मारने के लिए रजा को हायर किया था सर। जो हमारे कब्जे में है उनसे पूछताछ करो और कुछ भी करके दुराते को ढूंढो, उसे हमें बचाना है। मैं तुरंत ही इस काम पर लग जाता हूँ सर। किधर लेके जा रहे हो उसको? मेरी बात सुनो रानो, ये मेरे साथ ही आएगा, ये कलीमा का हुक्म है। यहाँ लाने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया? हर काम का वक्त होता है। ये काम रिकॉर्डो का है ना? सवाल करना बंद कर, मुझे बस इतना पता है कि इस काम के बदले मुझे मोटी रकम मिलेगी और उसकी मुझे बहुत जरूरत है। चल हट। पैसे पूरे हैं? तुमने जितने बोले थे उतने पैसे हैं। ठीक है। हेलो। हेलो मिकेला। कौन बोल रहा है? मैं गबेटो बोल रहा हूँ। देखिए मैं जानता हूँ वो मुझसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि हमारी बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी। मैंने बुरा बर्ताव किया, उसके साथ मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो इस वक्त बात नहीं कर पाएगी। क्यों बात नहीं कर पाएगी बताइए? मैं बताती हूँ, असल में बात यह है कि हमारा काम आखिर कब होगा? कि मामला संगीन है कलीमा। वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, हालांकि वो कभी नाकामयाब नहीं होता है। लो लो लो, आ गया। सारी चीजें अच्छे से चेक कर लेना, वरना याद रखना मैं पैसे नहीं दूंगा। फोन क्यों नहीं उठाया? सब ठीक तो है ना? इन पेपर से काम हो जाएगा ना कलीमा? मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? इन पेपर्स के साथ तुम जहां चाहो जा सकते हो। अब जल्द से जल्द मेरे पैसे दे दो। ठीक है, ये लो पैसे। लो पकड़ो अपना हिस्सा, तो अब तुम्हारी परेशानी खत्म होने वाली है। हाल इजर्ट, काम हो गया क्या? सब ठीक है बॉस, शिकार अपने कब्जे में ही है। अच्छी बात है। हमारे पास दुराते हैं। वो तुमने क्यों नहीं किया? वो छोटा काम हमारे आदमियों के लिए था। कोई बात नहीं, मैं इस काम को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बहुत इंतजार किया है मैं उस घटिया इंसान के चेहरे पर। नाकामयाबी देखना चाहता हूं, समझे तुम? उसकी आंखों में डर देखना है मुझे, अपनी मौत का खौफ देखना है उसकी आंखों में। एक बात बोलूं, अब तुम्हारी परेशानी खत्म होने वाली है। तुम मुझे मारने वाले? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? रिकॉर्डो ने तुम्हें कितने पैसे दिए? बहुत ज्यादा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। उस पैसे से हासिल करूंगा वो सब कुछ जो मुझे चाहिए। पूरी जिंदगी मजे से काटूंगा, समझे? बहुत खूब, लेकिन जरा सावधान रहना। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि रिकॉर्डो को मैं जानता हूं, जो उस पर इल्जाम लगाता है वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। तो क्या तुम्हें छोड़ने पर तुम उससे ज्यादा मुझे पैसे दोगे? पुलिस ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। मैं पुलिस के साथ कोई भी धंधा नहीं करता हूं, और मुझे शक है
कि वो मुझे कुछ नहीं देने वाला और तुमसे भी मुझे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। मैं टॉरेस बोल रहा हूँ। कर्नल मोंटेस ने प्रोबेटिव मटेरियल की एक कॉपी मांगी है, मुझे वो आज ही चाहिए, अर्जेंटली। थैंक यू। रिकार्डो को मैंने अभी देखा सर। कहाँ है वो? वो शहर के केटीएम में है। एक और बात सर, रिकार्डो की कार पास ही के एक होटल की पार्किंग में देखी गई है। क्या ये वही आदमी है? लग तो रहा है सर ये उनमें से ही है जो जेल से भागे हैं, पर मैं इसका पता लगाता हूँ सर। मुझे जूलियन और एस्परांजा के लिए बहुत दुख हो रहा है। ये दोनों इतने समय के बाद मिले और देखो दोनों के साथ कितना बुरा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे इनके रिश्ते को किसी की बुरी नजर लग गई हो। कभी कभी दुख भरी कहानियों का अंत खुशनुमा होता है। शायद उनके साथ ऐसा ही होना लिखा था। जब आपको किसी से प्यार होता है तो ऐसा ही होता है। कैला, मैं मर गई? नहीं, ऐसा मत कहो। अभी तुम्हें बहुत जीना है, समझी? अब मैं आ गया हूं, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मॉम कैसी है? ठीक है। सच कह रहे हो? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन से फायदा हुआ? मिकेला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। तुम्हारा लिवर उनके लिवर से बिल्कुल मैच कर गया है। सच कहूं मिकेला, मैं नहीं जानता था तुम दिल की इतनी अच्छी हो। और इतनी खुदगर्ज लड़की ऐसा करेगी? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था मिकेला। तुमने आज वो कर दिखाया है जो करना बहुत मुश्किल है। तुमने अपनी माँ की जान बचा ली। गलतियों को सुधारने के लिए लोग बदल जाते हैं। देखा, तुम्हारे मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। कभी तो मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने गलती की। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसा मत कहो। गलतियाँ तो मैंने भी बहुत सीखी हैं, जो बताने लायक भी नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे मेरी गलतियों की सजा मिलनी ही चाहिए थी। मिकेला, जब तुम्हें सच में मेरी मदद चाहिए थी, मैं नहीं था। कितना मतलबी हूँ मैं। मिकेला, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। I love you, कभी तो। डॉक्टर्स ने कौन सी दवाई दे दी है तुम्हें? मुझे हंसाओ मत।
मुझे माफ कर दो मैकेला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। आराम से, यहाँ किस करना अलाउड नहीं, पता है ना तुम्हें? अब तुम आराम से सो जाओ। मेरी प्यारी मिकेला, आराम से सो जाओ। सर यह है हिटमैन का हेड कलीमा, इसके खिलाफ 5 अरेस्ट वारंट्स पहले भी निकल चुके हैं सर। हमारे खबरी ने बताया कि एक सस्ती बार में काम करता है सर, वहाँ बड़ी टीम नहीं जा सकती, इसलिए सर मुझे आपकी परमिशन चाहिए कि मैं वहाँ अंदर अकेले जाके इसे रंगे हाथ पकड़ लूँ। मोंटेस, परफेक्ट, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने लोरेना को पकड़ लिया है, उसे यहाँ लाया जा रहा है। इंक्वायरी करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर पास करता हूँ। सर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बेचैन हूँ, अभी तक मेरे दोस्त की कोई खबर नहीं आई। घबराओ मत, हमें इस वक्त दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है कि एस्पेरांजा पूरी तरह अच्छे से ठीक हो जाए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एक भयंकर मुठभेड़ हुई जिसमें से मिकेल कैसी है? और दो अभी घायल अवस्था में हैं। उसकी हालत पहले से काफी बेटर है। उस लड़की ने तो कमाल कर दिया। पुलिस ने सारे शहर क्या बोल रहा है? बंदी कर दी है। पुलिस ने अपील की है कि इन मुजरिमों के बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। मैं दोबारा से उन दोनों कैदियों के नाम आपको बताना चाहूँगा। पहला कैदी है जुलियान दुराते और दूसरा है लिबार्टो कॉय उर्फ लिजर्ड। जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। कैसी बात कर रहा है, वो खुद गिरफ्तार हुआ तो वो भागेगा क्यों? उसके पास उसकी बेगुनाही के सबूत भी थे। एस्पेरांजा और मिकेल को इस खबर में पता नहीं चलना चाहिए। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना। क्या पीना पसंद करोगे? मुझे एक हाफ बोतल विस्की चाहिए। बस उसी के लिए यहाँ आए हो? मुझे पता चला है कि यहाँ पीने के साथ साथ बहुत कुछ मिलता है, सही कहा ना? आज तुम्हारा लकी डे है। हाँ, वो कैसे? आज के शो पर डिस्काउंट है। अच्छा, कितना डिस्काउंट है? तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ। ठीक है चलो। क्या तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी किसी को ऐसे मार सकता है? क्या मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अब तुम्हारा इंतजार मैं खत्म कर रहा हूं। इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं इसका खेल आज खत्म ही कर दूंगा। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरी जान। अच्छा, बताओ क्या है? मैं टॉरस बोल रहा हूँ, हमारा काम हो गया है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अपना मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, वरना गोली मार दूंगा। चुपचाप बैठ। क्या कर रहे हो? मैंने अभी भी बार के पास रिकार्डो को कलीमा के साथ देखा। मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि जूलियन यहाँ है या नहीं, पर मुझे यहाँ और फोर्स चाहिए। मुझे पता था ये तुम्हारी करतूत है, बहुत बुजदिल हो तुम। क्या ये तेरे आखिरी शब्द हैं? हाँ? बेवकूफ कहीं के, जल्दी से बोल।
बेवकूफ। हम ए रुक जा, अपनी गन नीचे कर वरना गोली मार दूंगा। ए गन दे मुझे, ये गन पकड़ो, जल्दी पकड़ो इसे। अपना गन नीचे रखो, नीचे कर, नीचे कर। ये क्या कर रहे हो तुम? वरना शूट कर दूंगा। गन नीचे रखो, मेरी बात मानो, शांत हो जाओ। शाना बनेगा तू, चल मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप मेरे साथ चल, ए उठाओ उसे, चल बाहर, चल जल्दी, मूव, चल। सुनाई नहीं दिया? देखो चल, मेरी बात सुनो, मैं बहुत सारे पैसे दूंगा। तेरे पैसे अपने पास रखो, चुपचाप चल अंदर, अंदर गाड़ी में बैठ। सुनो चल, जितने पैसे चाहिए। तेरे पैसे गए बाहर में, अंदर बैठ वरना गोली मार दूंगा, चल। चला 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 गाड़ी, चला जल्दी जल्दी। रुक जा, सभी यूनिट सुनो, मैं लूटिनेंट टॉरस बोल रहा हूँ। आई रिपीट, लूटिनेंट टॉरस बोल रहा हूँ। एक ब्लू ट्रक है जिसकी नंबर प्लेट है FSC 812, उसे फौरन रोको। उसमें दो हॉस्टेजेस हैं और दो सस्पेक्ट्स। देखो तुम गलत समझ रहे हो, ये आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज है।